थोड़ा ब्लू इंक कम है तो मैं इंक भर देता हूं। आपकी बहस में से आज सरप्राइज की एक बात ये थी कि आज 3 o'clock से मैं लाइव यूट्यूब पे हूं, आई थिंक 3:15 से, 3:15 बजे से, और 3:15 को एक स्टूडेंट लाइव हो चुका था। मैंने सोचा कि अरे भाई ये क्या है, ये कौन अभी तक रीड कर रहा है। तो मैंने उसका रिप्लाई आया कि यस सर, मैं प्रथम। क्या बात है, 3 o'clock रीड करते हो, मुझे सरप्राइज की बात हुई, रियली रियली आउटस्टैंडिंग सैल्यूट। और अगर कोई आप में से कुछ एडवाइस ले तो वो आपका पुण्य गुड डीड बढ़ता है, जिसका एडवांटेज बेनिफिट आपको मिलता है, समझे। सो किसी को डायरेक्ट करना कि हाँ वो रीड कर रहा है 3 o'clock से, तो हम भी रीड करें। सेकंड क्वेश्चन उससे भी सरप्राइज का था। मैंने प्रथम को पूछा, क्या पूछा था प्रथम? हाँ कि अरे यार इतनी मॉर्निंग में, सुनो इतनी मॉर्निंग में आप सम्स करना, अदरवाइज आपको बायोलॉजी रीड किया या केमिस्ट्री रीड किया तो आपको नींद आ जाएगी। तो उसके बाद प्रथम ने क्या बोला है? उसके बाद उसने बोला कि सर वो तो सम्स तो मैंने 1 2 3 के बिटवीन किए। देखो ओके, समझे समझे, कुछ करने वाले हैं वो कितना वर्कआउट करते हैं, जिसका गोल है कि मुझे 50 लाख बचाने हैं, ओके वो 10 to 12 hours का वर्कआउट करेगा। कभी भी करो, वर्कआउट वर्कआउट है, ओके समझे, माइंड इट। ओके सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। ओके चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। पहले खुद का नाम लिख दो, ओके प्रेजेंट पूर्ण नहीं है तो नाम लिख देना है आपको। ओके चलो स्टार्ट कर दे। तो चैप्टर नंबर 3 पे भाई लोग और सिस्टर लोग, यहां पे जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें, यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं और उसके बाद मैं आपको, आपसे आंसर मांगूंगा जो आपको सही तरीके से आराम से आंसर देने होंगे। So, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर देता हूँ, सॉरी ये स्पीकर वायर कनेक्ट कर लेता हूँ, सो आपको आवाज थोड़ी बेटर सुनाई देगी। ओके नाउ इट इज प्रॉपर गुड है। ओके देवी और सज्जनों, हम और आप खेलेंगे कौन बनेगा MBBS गवर्नमेंट कॉलेज सीट टेकर। यस ओके, तो स्टार्ट करते। देखो पहले आपका गोल होगा गुजकेट, नीट, गुजरात बोर्ड, जो भी हो। अभी आप यहां पे फोकस करो क्योंकि क्वेश्चन जो है, मैं सबके लेवल को बोल रहा हूं, सबके, नीट वाले के भी लेवल के, बोर्ड वाले, गुजकेट वाले, सबके लेवल के। ओके सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स बोलना है। ट्रू और फॉल्स, टेस्टिस हैज 2 to 2.5 degree सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज लोअर देन स्क्रॉटम, यस और नो, यस और नो। इसके लिए आपको 5 सेकेंड मिलेंगे बिकॉज इट इज सिंपल क्वेश्चन। यस और नो, यस और नो। ओके ओके श्याम का आंसर आ चुका है, पूजा का आ चुका है, मिली का आ चुका है, सूप का आ चुका है, दर्शन का आ चुका है, चिराग का आ चुका है, ओके निधि का आ चुका है, निशांत का आ चुका है, दीपेन का आ चुका है, तरन्नुम का आ चुका है, प्रथम, हितांशी, सबका आंसर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पहली गोली डिस्काउंट कर दी। बस आपने देखा यहां पे कि टेस्टिस हैज 2 to 2.5 degree सेल्सियस लोअर देन स्क्रॉटम, स्क्रॉटम लोअर देन स्क्रॉटम, नो प्लीज प्लीज, यस दुनिया का ही सही है, लोअर देन बॉडी, लोअर देन बॉडी, नॉट लोअर देन स्क्रॉटम, क्योंकि टेस्टिस जिसमें होते हैं उसको स्क्रॉटम बोलते हैं, यानी स्क्रॉटम का टेम्परेचर 2 to 2.5 degree लोअर होता है, किससे? बॉडी से। ओके होता है, होता है, जब एज हो जाती है तो ऐसा होता है ना, आई थिंक। ओके और ना चले, ना चले, राइट बॉडी की कंपेयर में
स्क्रॉटम का टेम्परेचर डाउन होता है. ओके, सुनिए नहीं चलेगा, बिल्कुल गलत बात है. चलो सेकंड क्वेश्चन, 1 2 3, आप एक थप्पड़ लगा दो और बोलो कि यार मेरे 50,000 रुपए जा चुके हैं. एक क्वेश्चन गलत हुआ, उसकी कीमत है 50,000 रुपी. प्लीज नोट डाउन, जिसने पास आउट कर लिया है उनको पूछो. ओके, जिसने ड्रॉप लिया है उनको पूछो. ड्रॉप लेने वाले कभी भी ज्यादा ओवरटेक नहीं कर पाते, ये एक फैक्ट बात है. और आपके लिए चैलेंज वो है कि वो ड्रॉप लेने वाले ऑलरेडी इनका रिवीजन कर रहे हैं अब, राइट? और आप अभी तो ऐसे नहीं चलेगा. चलो ऑप्शन नंबर 1 1 2 3, सेकंड 2 2 3, सी 4 2 5, हाउ मैनी सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन ईच लोब. हाउ मैनी सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन ईच लोब. ओके जय, वेरी गुड जय, बिल्कुल सही है. राइट, गलत है. विधि सही है, प्रथम सही है, हितांशी सही है. ओके फाइन, मिली, वेरी गुड. क्या आएगा? तरन्नुम, बिल्कुल सही है. ओके, पहला आंसर जय तावियान ने दे दिया था, वेरी गुड जय. सो आंसर इज ए, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल इतनी होती है. ओके, याद रखो. और ये क्वेश्चन जो नहीं पूछा जाएगा, बट आपको कोई पूछे कि आपकी बॉडी में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं, आपकी बॉडी में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? 150, 100, 250 या 500? ट्राई करो, गलत तो गलत, प्लीज गलत तो गलत, ट्राई करो. यस, मुझे पता था, है मुझे पता था आप क्या बोलोगे आंसर. यस, नॉट 250. जय ताविया, बिल्कुल सही है. क्या आएगा? 500, क्योंकि आपकी बॉडी में दो टेस्टिस है और हर एक टेस्टिस में 250, सो दोनों को मिला के हम बोलेंगे देवांशु 500. ओके, माइंड इट. सो 500 कॉम्पार्टमेंट होंगे. ओके, किसी ने बोला 500 to 1500, नहीं आएगा. एक में 250 होता है तो दो में 500, सिंपल प्रियांशु, बराबर. ओके फाइन, बस क्योंकि अभी मैं आपको बोलूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शॉर्ट नोट स्टडी करते हैं, क्या बेनिफिट मिलेगा? कुछ नहीं. फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टडी करते हैं, क्या बेनिफिट? कुछ नहीं मिलेगा. ओजिनेसिस, स्पर्मेटोजिनेसिस, सब कुछ आपका हो गया है जय, बराबर उदय. जस्ट आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन कैसे बनाए और क्या सोचे कि हमारे आंसर सही हो. हमारे पास अभी 5-4 मंथ है, बट हमें सोचना है कि हमारे पास जस्ट 1-2 महीना है, बराबर. इस तरह से पैशन से काम करना है. ओके चलो आंसर देना है. विच सेल एंटर इनटू मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन में कौन सा सेल एंटर होगा? स्पर्मेटोगोनिया. ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था. सर्टोली, बोथ और नन, प्लीज फास्ट, बोथ और नन, गिव मी आंसर. 1 2 3 4, विच सेल एंटर इनटू रिडक्शन डिवीजन, अदरवाइज यू कैन से विच सेल एंटर इनटू मियोटिक डिवीजन. यस एग्जैक्टली राइट. जय, गलत निकला इस टाइम पे, बाकी सबका सही है. ओके गुड गुड, तुषार का भी सही है, तरन्नुम का, देवांशु का. क्या आएगा? स्पर्मेटोगोनिया. ओके गुड, कोई बात नहीं. नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स आंसर देना है. सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वास डेफरेंस बाय रेटी टेस्टिस. यस और नो? यस और नो? यस और नो? आराम से आंसर दो. सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल ओपन इन टू वास डेफरेंस बाय. यस, वेरी गुड. क्या आएगा? यस यस यस, तुषार बिल्कुल सही है, गुड. निशान गलत पड़ा, मिली गलत. उदय सही है, हितांश सही है, श्याम सही है, कर्तव्य गलत. यस, प्रथम सही है, निधि गलत. ओके क्या आएगा? नो आएगा, बिकॉज वासा एफरेंशिया, राइट, जो
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है यहाँ पे टेस्टिस नहीं, वो रैटी टेस्टिस के थ्रू वासा एफरेंसिया में खुलेगी। ओके, सो दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज रैटी टेस्टिस, दिस इज वासा एफरेंसिया, एफरेंसिया याद रखो। ओके, यहाँ पे ABCD में पहले डी आता है, बट यहाँ पे ई है, ई फॉर एफरेंसिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एपिडीमाइसिस 6 मीटर। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वास डेफरेंस, तो डेफरेंस यानी डी, डी ई के बाद आएगा। ओके, ABCD के हिसाब से डी पहले आएगा, ऐसा नहीं है यहाँ। ओके, ये जस्ट याद करने के लिए और याद रखने के लिए आपको ये ऐसे सोचना है। ओके फाइन, चलो अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो पूछूंगा, आपका ऑप्शन यहां पे है, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहां पे है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। सेकंड ऑप्शन जो है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। थर्ड ऑप्शन है बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन है नन। आराम से, नाउ कौन सा आंसर, विच ग्लैंड इज एक्ट एज अ लुब्री, लुब्रिकेटिंग अदरवाइज लुब्रिकेशन, विच ग्लैंड इज यूजफुल फॉर लुब्रिकेशन। फटाफट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बोथ एंड नन। सही आंसर आपको देना है, 4 सेकंड आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा टाइम यहां पे नहीं लेना है आपको, प्लीज फास्ट। लुब्रिकेशन का काम कौन करेगा, सेमिनिफेरस, प्रोस्टेट, यस 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 यस, वेरी गुड तरन्नुम, बिल्कुल सही है मिली, बिल्कुल सही, श्याम का सही है, निखिल, धन्या, निधि, मायावंशी, वेरी गुड वेरी गुड, फाइन फाइन। पंचाल को बोलो यार रेगुलर अटेंड करें, निशान गुड, बराबर है, कर्तव्य क्या है, नन, चिराग, बिल्कुल सही है। सो क्यों, क्योंकि लुब्रिकेशन का काम कौन करेगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कौन करेगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके नाउ इंटरेस्टिंग, ये पहले भी मैंने एक बार पूछा था, आई थिंक बिफोर 2 मंथ, ओव्यूलेशन, चाइल्ड केयर, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उसको रिपीट मैं करूंगा, वो टेस्ट हो या जो भी हो, क्वेश्चन है मेमोरी ग्लैंड इज यूजफुल इन, मेमोरी ग्लैंड इज यूजफुल इन, चलो आंसर दो, मेमोरी ग्लैंड आर सपोर्टिंग विच प्रोसेस, आराम से, मैं कॉल कट कर रहा हूं, ओके बाद में बोलूंगा सही आंसर क्या है। ओके बोथ तो है ही नहीं श्याम, ऑप्शन ही नहीं है। ओके 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 ओके, देखो देखो देखो, जय ताविआड़ एंड शुभ, दो का गलत है, बाकी सबका सही है, सबका सही है, क्यों, शुभ बका जय आउना चले। पेज नंबर 44 पे देखो आप, तो वहां पे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फोर्थ लाइन पे लिखा है द मेमोरी ग्लैंड ग्लैंड आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्टिंग टू ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो आंसर क्या आएगा, ऑल आएगा, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ओके इजी, गलती मत करो प्लीज। ओके चलो नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स आंसर देना है। इन इन फंडिब्यूलम, इन फंडिब्यूलम इज कलेक्टिंग ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, यस और नो, आराम से, यस और नो, यस और नो, आराम से, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई ऐसा सेंटेंस पूछा है तो नो ही आएगा, यस आ सकता है, यस आ सकता है, यस आ सकता है। ओके 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 फाइन, मिली वेरी गुड, और हितांशी वेरी गुड, दोनों का बिल्कुल गलत है,
बिल्कुल गलत है प्रियांशु, दर्शन, तुषार, बराबर गलत है आपका, क्योंकि आंसर क्या आएगा, नो, बिकॉज इन फंडिबुलम, तो वो फनेल शेप है, ये फनेल शेप में इन फंडिबुलम है, ओके, उसमें ये जो फिमरी है वो फिमरी कलेक्ट करेगा, तो फिमरी, फिमरी और यस, याद रखो फिमरी और इन फंडिबुलम दोनों डिफरेंट बोले जाते हैं, ओके, सो फिमरी अलग चीज है और इन फंडिबुलम अलग चीज है, समझे, सो फिमरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो ओवम को कलेक्ट करेगा, इज इट ओके, याद रखो, अब क्लियर रखना है, चलो इसके बाद क्या आएगा वो तो पता है ना, इसके बाद क्या आएगा वो तो आपको पता होना चाहिए, इन फंडिबुलम है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्यूला, एम्प्यूला आएगा और उसके बाद इस्थमस आएगा, ये रीजन है एम्प्यूला, एम्प्यूला और ये रीजन है इस्थमस, इस्थमस, इज इट क्लियर, ओके फाइन, सो याद रखो, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन मैं दे रहा हूं यहां, मॉन्स पीबीस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लिटोरिस, वन टू थ्री एंड फोर सही होना चाहिए, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, ओके, गुजरात बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है, अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपका क्वेश्चन है ये, फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू, राइट, वो क्या है, आंसर दो, सराउंडिंग द वेजिनल ओपनिंग, फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंड द वेजिनल ओपनिंग क्या है, ये चार ऑप्शन है, फिर से बोल रहा हूं, फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंड द वेजिनल ओपनिंग क्या है, ए बी सी डी, देखते हैं किसका सही है, ओके, अगर आप बुक में देखते हो तो आप जितना बेकार पर्सन कोई नहीं है, अगर आप किसी के आंसर चीट करते हो तो भी आप बंगार में गिने जाओगे, गलत तो गलत, क्या बात है, कोई बात नहीं, देखो शुभ, गुड, शुभ का गलत है, इट्स ओके, बाकी सबका सही है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस इसको ही बोलते हैं, प्रथम का भी गलत है, राइट, शुभ और प्रथम दोनों का गलत है, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस, गलत होना चाहिए तो आगे जाके सही होगा, क्या आंसर आएगा, तो बॉम्बे आएगा, क्यों, सुनो, मॉन्स प्यूबिस इज कुशन ऑफ फैटी एसिड, राइट, कवर्ड बाय स्किन, आपको मैं ये ट्रैक ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये जो है इस साइड, ये ट्रैक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, इसमें ये मॉन्स प्यूबिस है, यहां पे ये क्या होता है, प्यूबिक हेयर होते हैं और लिपिड का ये थिक लेयर होता है, मॉन्स प्यूबिस लाइक अ कुशन, क्वेश्चन क्यों है, ड्यूरिंग एंट्री ऑफ पैनिस, राइट, जो टेस्टिस है उसको यहां पे ज्यादा डैमेज ना हो, इसलिए, इसलिए यहां पे याद रखो, बराबर समझ गए, यहां पे क्या होता है, क्वेश्चन जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्लियर, सो मॉन्स प्यूबिस इज क्वेश्चन ऑफ फैटी एसिड कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, देन उसके अंदर क्या होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा ये क्या है, तो सुनो, दिट इज ऑल्सो लेबिया मेजोरा इज ऑल्सो फ्लैसी फोल्ड टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, ये इससे भी डीप में अंदर थोड़ा डाउन यहां पे अरेंज हुआ होता है, क्या बोलेंगे, उस मॉन्स प्यूबिस के डीप में, सराउंडिंग द वैजिनल ओपनिंग, वैजिनल ओपनिंग है उसको, उसके सराउंडेड ये बोला जाता है, याद रखना है, ओके, वैजिनल ओपनिंग कहां है आपको पता है, ये यूटरस है, ये सर्विक्स है, देन वेजिकल ओपनिंग है, यहां पे देखना हो तो यहां पे भी आप देख सकते हो, क्या ये मॉन्स प्यूबिस है, यहां पे ये मॉन्स प्यूबिस हो गया, राइट, उसके बाद यहां पे याद रखो लेबिया मेजोरा एंड एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजिनल ओपनिंग,
रेजिनल ओपनिंग ये इसको बोलते हैं, उसके आसपास ये होता है। उसके भी डीप में द लेबिया माइनोरा आर पैड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। मेजोरा के अंदर क्या आएगा? माइनोर आएगा। मेजोरा के अंदर क्या आएगा? माइनोर आएगा। तो लेबिया माइनोरा याद रखो, आर पैड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। द ओपनिंग ऑफ वेजिनल, द ओपनिंग ऑफ वेजिनल यहां पे इसकी बात कर रहे हैं, इज कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड अ हिमेन। राइट, यहां पे मेम्ब्रेन है, वो एक्सरसाइज के दौरान राइट टूट सकता है, यस, एंड कॉपुलेशन के दौरान भी वो टूट सकता है। द क्लिटोरिस इज टाइनी फिंगर, लास्ट, ये भी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बोलते हैं क्लिटोरिस, राइट, या इसकी बात कर रहे हैं कि क्लिटोरिस रीजन, क्लिटोरिस इज टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। अपर जंक्शन, इसके ऊपर, इसके ऊपर, माइनोरा के ऊपर। अबाउट द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग है वहां पे, द हिमेन ऑफन टॉन ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस इंटरकोर्स के दौरान। राइट, ऐसा जरूरी नहीं है कि सडन फॉल की वजह से भी ये टूट सकता है। और इसमें से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इजी है इसके पीछे हमें टाइम नहीं बिगाड़ना है। सो मैमरी एम्प्यूला फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन लैक्टिफेरस डक्ट, थर्ड ऑप्शन मैमरी डक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबाउ। ये चार ऑप्शन है। यहां पे क्वेश्चन मैं ऊपर लिख रहा हूं, मैमरी ट्यूब्यूल, मैमरी ट्यूब्यूल जॉइन इनटू अदरवाइज ओपन इनटू ए बी सी डी। आंसर लिखो, मुझे आंसर दो फास्ट, आंसर देना है फास्ट फास्ट। मैमरी ट्यूब्यूल ज्वाइंट इनटू, ओके 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 फाइन, देखो बिल्कुल सही है। आई थिंक 50% स्टूडेंट का आंसर आ गया और सबका सही है। क्या आएगा? मेमोरी डक्ट। इसमें मैंने वेट क्यों नहीं किया, क्यों मैंने दीपेन का वेट नहीं किया, निधि का नहीं किया? बिकॉज यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसमें 5 या 10 सेकंड में आंसर आ जाने चाहिए। दर्शन, दीपेन गलत है आपके, पर 5 या 10 सेकंड में आंसर आ जाने चाहिए। तो आपके आप प्रिपेयर, और मैं बोलता हूं कि भाई आपको ही क्वेश्चन पूछूंगा, बराबर, तो फिर आपको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। ओके, प्लीज चैप्टर रीड कर ही देना है आपको। ओके, नाउ यहां पे देखते हैं आगे। इस पोमेटोस जिनेसिस वाली शॉर्ट नोट में से मैं कुछ नहीं पूछूंगा, बिकॉज आपको मैंने पहले भी बोल दिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस सबको मैंने रिवाइज भी करवा दिया है। राइट, अब उसमें से कोई क्वेश्चन अभी नहीं पूछूंगा, बट जस्ट यहां पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो आपको पता है कि नहीं, सुनो, यहां पे 11th स्टैंडर्ड का 22nd चैप्टर प्लस 12th स्टैंडर्ड का 3rd चैप्टर दोनों का कंबाइन करके मैं पूछ रहा हूं, तो आपको आंसर देना है। सुनो, प्लीज लिसन केयरफुली। पहले स्पर्मियोजेनेसिस ऑप्शन नंबर 1, स्पर्मेटोजेनेसिस 3rd, बोथ नन। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस बोथ एंड नन। इसमें मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, द हार्मोन
द हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ग्रो ग्राफियन फॉलिकल इन फीमेल वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन इन मेल जो हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा फीमेल में वो हार्मोन मेल में यहां पे कौन सा फंक्शन करेगा आराम से ए बी सी डी गलत तो गलत आंसर दो ए बी सी डी गलत तो गलत प्लीज देखो सबका आंसर आ चुका है आई थिंक आ चुका है बट यहां पे थोड़ी मिस्टेक कर दी आपने आई डोंट नो कैसे मिस्टेक हो गई आपसे बट एक बात याद रखो कि यहां से ये एक पॉइंट प्लीज नोट डाउन करो अगर यही क्वेश्चन घुचकेड में पूछा गया तो आपका सही होना चाहिए बिकॉज द रियल आंसर इज स्पर्मियोजेनेसिस कैसे तो आपको मैं बोल देता हूं यहां ये हाइपोथैलेमस है हाइपोथैलेमस में से GnRH निकलता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है उसकी वजह से एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से LH एंड FSH निकलेगा ये LH क्या करेगा LH टेस्टिस के जो लैडिंग सेल है उसको इफेक्ट करेगा राइट लैडिंग सेल को इफेक्ट करेगा और लैडिंग सेल में से एंड्रोजन का सिक्रीशन करवाएगा और ये एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करेगा LH करेगा बट ये FSH है वो सर्टोली सेल को बोलेगा और उसमें से कुछ सिक्रीशन करवाएगा जो स्पर्मियोजेनेसिस करेगा स्पर्मियोजेनेसिस उसका मीनिंग आपको पता है कि स्पर्मेटिड बन चुके हैं स्पर्मेटिड बन गए यानी फिनिश नो स्पर्मेटिड में से स्पर्म सेल बनाने हैं स्पर्मेटिड में से स्पर्म सेल बनाने हैं तो याद रखो ये स्पर्मेटिड में से स्पर्म सेल बनाने के लिए क्या बोलेंगे यहां पे स्पर्मियोजेनेसिस विच इज बाय FSH तो ग्राफियन फॉलिकल कौन बनाएगा FSH बनाएगा आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने देखा था ये ग्राफियन फॉलिकल कौन बनाएगा FSH राइट ओके उसके बाद LH जो है वो ओव्यूलेशन करवाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा बराबर तो इसमें समझ में आना चाहिए आपको कि आपके क्यों गलत हुए आंसर क्या आएगा स्पर्मियोजेनेसिस समझ में आया यस और नो रिप्लाई मी फास्ट यस और नो पहले वीडियो लाइक कर दो फटाफट सो लाइक वीडियो में जाके फटाफट आपको मिल जाएगा वीडियो लाइक कर दो प्लीज समझ में आया यस और नो यस ओके 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 समझ में आ जाना चाहिए बराबर हितांशी भले ही बोथ लिखाओ या टू लिखाओ या वन लिखाओ आंसर ओके इज इट ओके चलो फाइन सो दिस वे अब नीट में 11th स्टैंडर्ड में क्या था 11th स्टैंडर्ड में क्या था वहां पे ऐसा दिया था कि 11th स्टैंडर्ड में बोल रहे थे कि भाई LH क्या करेगा एंड्रोजन का सिक्रेट करेगा ओके और एंड्रोजन और FSH दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे बट यहां स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफरेंट फंक्शन है सो एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे और FSH स्पर्मियोजेनेसिस करेंगे ओके और यहां पे बुक में क्लियर कट लिखा है पेज नंबर 47 पेज पे लास्ट चार लाइन पे फोकस करो क्या लिखा है द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिम्युलेट टू गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन्स
LH and FSH. LH act on leading cell and stimulate secretion of androgen. You can see, and androgen in turn stimulates spermatogenesis. Then FSH act on Sertoli cell and stimulate some secretion, which factor which help in process of spermiogenesis. Is it okay? Fine, chalo. Ab uske baad yahan pe agla questions aapko answer dena hai, suno aaram se. ये क्वेश्चन 99% कहीं पे भी नहीं पूछा जाएगा, पक्की बात है. ओके, बट आपके प्रैक्टिस के लिए जस्ट मैं बोल रहा हूं, ए बी सी और डी चार ऑप्शन है आपको मिलेंगे. और यहां पे क्वेश्चन आपके सामने मैं बोल रहा हूं, द ह्यूमन मेल इजेक्युलेट्स अबाउट हाउ मैनी स्पर्म कितने स्पर्म इजेक्यूलेट करेगा ह्यूमन एक बार में, आराम से. ओके, तरन्नुम का आंसर आ गया है, मलिक आ गया है, शुभ का आ गया है, निशांत का आ गया है, पूजा का आ गया है, चिराग का आ गया है, श्याम का आ गया, प्रथम का आ गया, कर्तव्य का आ गया, तुषार का आ गया. ओके, जय ताबियाड़, वेरी गुड. यस यस, देखो क्या किया पता है आपने, सबका गलत, प्रथम जय का सही है. और एक्चुअल में तो उनका भी गलत बोला जाता है, बट उन लोग ने सीधा लिख दिया है आंसर. वो स्मार्टनेस दिखाई है, क्या है 200 to 300 आंसर सही है, बट मिलियन यानी सही आंसर क्या आएगा, 3, बिकॉज आपको पता है 1 million That means 10 lakhs, right? तो यहाँ पे 200 million यानी क्या होगा 2000 lakhs. आएगा आंसर 2000 lakhs से 3000 lakhs. समझ में आया? Reply me, yes or no. समझ में आया? ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट ऐसे फोकस करो, कहाँ मिलियन लिखा है, कहाँ बिलियन लिखा है, समझे? तो ऐसे मिस्टेक मत करो. एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आ जाते हैं तो दिक्कत होगी. ओके, चलो नेक्स्ट, मैं रफ कर देता हूं पहले. गैमेट मदर सेल, मैं जो पूछ रहा हूं, गैमेट मदर सेल आप सोचना चालू कर दो. देन ये चार आपके ऑप्शन है, और यहां पे मैं आपका क्वेश्चन लिख रहा हूं. सुनो, क्वेश्चन है यहां पे, याद रखो, विच सेल इज अरेस्टेड ड्यूरिंग ओजिनेसिस. Which cell is arrested during oogenesis? आराम से सही आंसर देने का ट्राई करो. ओके, उदय, ओके, गलत है कि सही है बोलता हूं मैं, वेट. कर्तव्य, कर्तव्य निधि मायावंशी एंड धनिया, कर्तव्य निधि मायावंशी एंड धनिया आपका बिल्कुल सही आंसर नहीं है. क्या आएगा? प्रथम सही है. शुभ, उदय ने पहला दे दिया, उसके बाद शुभ ने दिया. ओके, प्रथम सही है, हितांशी सही है. क्या आएगा?
आई थिंक सबका सही है, मैंने जो दो तीन नाम बोले उसके अलावा पूजा चिराग सबका सही है, मिली बराबर। क्या आएगा? सी आएगा। क्यों सी आएगा? ये प्राइमरी ओ साइड है, क्योंकि मैंने बोला था कि ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ के टाइम पे राइट वो जो सेल है वो कौन से स्टेज पे होंगे, तो जो डॉर्मेंट स्टेज पे होंगे, इनएक्टिव स्टेज पे होंगे। अब यहीं पे प्राइमरी ओ साइड कौन से प्रोफेज टू मेटाफेज टू मेटाफेज वन एंड प्रोफेज वन कौन से स्टेज पे ए बी सी डी कौन से स्टेज पे अरेस्टेड रहेंगे, आंसर दो। प्रोफेज टू मेटाफेज टू मेटा वन प्रो वन कौन से स्टेज पे वो अरेस्टेड रहते हैं? यस 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 ओके 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्या आएगा? प्रोफेज वन। हम नीट की कंपेयर में फास्ट आंसर आपसे राइट बुलाएंगे, बिकॉज यहाँ फास्ट आपने दे दिया तो वो बेटर है। उदय उदय कर्तव्य गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे चार फेज मेन होते हैं, ओके? उसमें कौन से फेज है वो तो आपको पता है, कौन से? प्रोफेज वन, देन मेटा फेज वन, देन एना फेज वन एंड टीलो फेज वन। ये मियोसिस वन के पार्ट है, मियोसिस वन राइट, मियोसिस में दो पार्ट हो गए, मियोसिस वन देन मियोसिस टू, और मियोसिस टू जो है उसमें प्रो टू देन मेटा टू एना टू टीलो टू, समझे? और यहां पे प्रोफेज वन के पांच पार्ट है, कौन से पांच पार्ट? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, लेजापे, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। उसमें कौन से स्टेज पे? डिप्लोटीन इज द अरेस्टेड स्टेज, यानी जब ओजिनेसिस स्टार्ट हुआ तब क्या हुआ था? एक बार सेल डिवीजन हुआ, दूसरी बार सेल डिवीजन हुआ, यानी ये चार सेल बन चुके हैं डिवीजन फेज में। उसके बाद ये ग्रोथ फेज आएगा, इसमें ये सेल जो 2N हो गए, इसको हमने क्या बोला था? प्राइमरी ओ साइड बोला था। क्या बोला था? प्राइमरी ओ साइड। ये गैमेट मदर सेल है, ये कौन सा है? गैमेट मदर सेल है। अब ये जो प्राइमरी ओ साइड सेल है उसका मियोसिस वन होगा राइट, और वो मियोसिस वन होगा और वो सेकेंडरी ओसाइड बनेगा, बट ये बनते बनते 13 और 14 ईयर हो चुके हैं राइट, 14 बरस का वनवास फिनिश हो चुका है, समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ओके फाइन। तो यहां पे 14 या 13 या यानी प्रोफेज वन में ले जा पे डी डिप्लोस्टिन स्टेज पे अरेस्टेड था ये प्राइमरी ओसाइड। ये जस्ट मैं हाईलाइट दे रहा हूं, इसको डिटेल में स्टडी करना हो तो आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा कि सर 9601735835 पे मुझे वीडियो सेंड करो राइट, जो नए है लाइक कर्तव्य तो उस पर मैं सेंड करूंगा, वो क्लियर होगा, उसके बाद इसमें कुछ समझ में आएगा। ओके हाँ देवेश सर ने कीधेलु छे पौना बारे ज्वाइन थवानू, देवेश सर ज्वाइन थाउ जो ज्वाइन थई गया छे, प्रेजेंट लई लेजो देवेश सर, प्रेजेंट लई लेजो, नाम लखो तो नाम लखी दो तमारो रोल नंबर लखी दो, नाम लखी दो देवेश सर, चाल से क्योंकि आमा तो 20 जन छे, नाम लखी दो। ओके चलो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ जो थोड़े गुजकेट बेस पे हो गए, आपको आंसर देना है, सुनो।
सुनो सुनो सुनो, मैं बोल रहा हूं आपको सुनना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपको आंसर देना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करो। इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। सेकंड, हाँ बोलो मैडम। देखो एक कॉल था इमरजेंसी इसलिए। हाँ, देन सेकंड, कोलेस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडी एंड न्यूट्रिएंट्स। कोलेस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडी एंड न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही है। अरे सॉरी, मैंने कहाँ बोल दिया। ओके ओके, हाँ तो इनकरेक्ट कौन सा है। थर्ड, पॉलीस्पॉर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंज इन एग सरफेस। पॉलीस्पॉर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंज इन एग सरफेस। एंड फोर्थ, इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर ऑलमोस्ट 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन अकर ऑलमोस्ट 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी। इनकरेक्ट कौन सा है, ए सी डी, क्योंकि बी तो मैंने बोल दिया था। ए सी या डी। चलो चलो चलो, मैसेज में। ओके 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 ओके, देखो 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 देखो, चलो फटाफट 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 से रिप्लाई करो मुझे फास्ट। ओके, देखो इतना लेट नहीं चलता है, इसमें फटाफट से याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए, जो चलाया है वो क्या चला है। आंसर सी आएगा, पॉलीस्पॉर्मी इन मैमल इज प्रिवेंट, यानी स्पर्म ज्यादा जाएंगे मैमल्स के एग सेल में, राइट। ये प्रिवेंट हो रहा है, यानी ये नहीं हो रहा, इसको प्रिवेंट करेगा। केमिकल चेंज इन एग सरफेस, नो ये गलत है, क्योंकि सुनो, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय जोना पेल्यूडिसिडा रिजल्ट इन इट्स स्वेलिंग। लिसन केयरफुली, दिस प्रिवेंट फर्दर एंट्री ऑफ स्पर्म। तो यहां केमिकल कहां से है, समझे। दस पॉलीस्पॉर्मी प्रिवेंटेड, सो फिजिकल चेंज, राइट, फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज नहीं हुआ। ओके याद रखो, बराबर, प्लीज नोट डाउन। नाउ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपको सिलेक्ट करना है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर वन, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर द ओव्यूलेटरी सर्ज। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर ओव्यूलेटरी सर्ज, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ये करेक्ट ही इनकरेक्ट है, ये करेक्ट ही इनकरेक्ट है, कॉन्फिडेंट रखो यार। अरे एस्ट्रोजन थोड़ी करेगा ओव्यूलेटरी सर्ज को, यस गलत है, बिल्कुल गलत है, ये एकदम गलत है। सेकंड ऑप्शन, ओ गोनियल सेल स्टार्ट टू प्रोलीफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा इन रेगुलर साइकिल फ्रॉम पुबर्टी ऑनवर्ड्स। फिर से मैं बोल रहा हूं, सुनो, ओ गोनियल सेल स्टार्ट टू प्रोलीफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शन ओवा इन रेगुलर साइकिल फ्रॉम पुबर्टी ऑनवर्ड्स। ये ट्रू के फॉल्स, ओके ओके, यस यस यस, या ये भी गलत है, बिल्कुल। चलो थर्ड, यस, स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर हाईली मोटाइल। प्रथम भाई डिस्कस करिए बगा, डोंट वरी, मैं समझाओ। स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर हाईली मोटाइल, यस और नो। नो, क्योंकि वो एक्टिव कहां होंगे, एपिडीडाइमिस में होंगे, एपिडीमाइसिस में होंगे। ओके लास्ट, प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई ड्यूरिंग पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो, प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई ड्यूरिंग पोस्ट ओव्यूलेटरी
फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या आएगा? बिल्ली. बिल्ली गलत है, राइट? बिकॉज हाई लेवल ऑफ LH एंड FSH ट्रिगर द ओव्यूलेटरी सर्ज. लिसन, प्रथम तेरा आंसर आ गया. ओव्यूलेटरी सर्ज को कौन करेगा? ग्राफ पे से देखो, FSH एंड LH करेगा, इस्ट्रोजन नहीं करेगा, समझे? ओके. एंड जो सेकंड सेंटेंस था क्या था? स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर नॉन मोटाइल. वो नॉन मोटाइल होते हैं, राइट? एंड ओ गोनियल सेल सीज एक्टिविटी व्हेन द गर्ल चाइल्ड इज स्टिल इन द वॉम्ब. सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग. सो डी इज ट्रू. चलो आंसर दो. नेक्स्ट, चार ऑप्शन दे रहा हूं. रेटिडेस्टिस, एक ही बार बोलूंगा, रेटिडेस्टिस, एपिडीमाइसिस, वासाफ्रेंशिया, इस्थमस. स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विथ रेफरेंस टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एकदम सिंपल है. स्पॉट द ऑड वन या सिलेक्ट द ऑड वन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर विथ रेफरेंस टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. या सो दे, वेरी गुड, बिकॉज इस्थमस इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव. बाकी तीन किसके पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट है, समझे? ओके गुड. चलो अब यहां पर आपको देखना है, आप आंसर इसमें एक भी दे सकते हो, दो भी दे सकते हो, थ्री भी दे सकते हो. सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय. सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट, थर्ड यूरेथ्रा, फोर्थ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. फिर से बोल रहा हूं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय व्हाट? ओके चलो फास्ट आंसर दो. कोई दो या तीन आंसर भी आ सकते हैं. ऑब्वियसली इसमें एकदम सिंपल है यार, वन टू एंड फोर. वन टू एंड फोर क्यों? यूरेथ्रा इज नो कंट्रीब्यूशन. वन थ्री नहीं कर्तव्य, ओ वन टू एंड फोर, बिकॉज यूरेथ्रा हैज नो कंट्रीब्यूशन टू सेमिनल प्लाज्मा. इज इट ओके? इज इट ओके? क्लियर हो गया? ओके ओके ओके. ऑप्शन दे रहा हूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वास डेफरेंस, एपिडीमाइसिस एंड प्रोस्टेट. कोई एक आंसर चूज करो. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वास डिफरेंस, एपिडीमाइसिस, प्रोस्टेट ग्लैंड. स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम. स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम. बुक में क्लियर लाइन लिखी है, बुक में क्लियर कट लिखा है. चलो फटाफट से. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है. प्रथम उदय, एक ही छप्पन थी उड़ाई देश. क्या आएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. देखो तो सही यार, आप देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ओके कितना टाइम हुआ है? ओके अभी भी हमारे पास दो मिनट बाकी है, तो देख लेते हैं. 5 to 8 days, 11 to 17, 18 to 23, 24 to 28. मैं यहां लिख रहा हूं, देखो यहां दिखाई देगा आपको फिर से. 5 to 8, then 11 to 17, then 18 to 23, 18 to 23, and 24 to 28. ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन है. मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन ओवरी ऑफ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड स्टैट. आंसर दो.
मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जनरली प्रेजेंट इन ओवरी ऑफ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड स्टेट. यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा है दीपेन, गलत. चिराग वेरी गुड, बिल्कुल सही है. मिली गलत, प्रथम सही है. कर्तव्य सही है. निखिल वेरी गुड, सही है. निधि मायावंशी वेरी गुड. उदय बिल्कुल गलत है. अबे इतना सिंपल क्यों गलत करते हो यार, इतना इजी है. अरे 11 टू 17 आपको नहीं पता, आपको पता है ना, राइट? याद रहना चाहिए. ओके प्लीज, चलो अब इतना रखते हैं क्योंकि मेरा 12 o'clock लेक्चर है. ओके आप थोड़ी प्रिपरेशन करो, हाँ हार्ड वर्क करो, स्ट्रगल करो. मैं मैसेज कर रहा हूँ अभी, कल किसका टेस्ट है वगैरह वगैरह. थैंक यू, बाय बाय, गुड डे.